मैं डॉक्टर ज्योति जोशी गृह विज्ञान विभाग से आज अपैरल डिजाइनिंग कोर्स के अंतर्गत ड्राफ्टिंग के बारे में बातचीत करूंगी। आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में बातचीत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम बच्चे की चोली और बाजू की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। अभी इस टाइम हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं 2 साल के बच्चे के लिए। इसका स्टैंडर्ड साइज है जिसमें कि उसकी हाइट है 36 इंच, और जब हमें बॉडीज की मतलब चोली की जो हमें ड्राफ्टिंग करनी है उसके लिए हम उसकी लंबाई हम कितनी लेंगे, जो उसकी ऊंचाई है उसका 2/8, जो हमारा इस कैलकुलेशन मीन्स ऊंचाई कितनी 36, हाइट जो है उसका हमने 2/8 लिया, वो हमारा कैलकुलेशन के बाद कितना आया 9 इंचेस। वैसी जो है छाती जो चेस्ट है वो हमारा कितना है 21.6, जिसको मैंने होल सोल ले लिया वो हमारा हो गया 22 इंचेस। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग के लिए हम कागज की क्या माप लेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है, ब्राउन पेपर का। तो ब्राउन पेपर में सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे उस पर्टिकुलर बॉडीज की। तो उसके लिए हमने क्या करा, लंबाई कितनी ली 9 इंचेस जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है हाइट से, और जो चौड़ाई है वो चेस्ट जो हमारा है 22 इंचेस, 22 इंचेस का हमने हाफ करा प्लस 1 इंच लिया ईज के लिए, जो हमारे वेयरिंग ईज है, क्योंकि हमारा कोई भी चीज कपड़ा बॉडी फिटेड नहीं होता, उसमें हमको वेयरिंग ईज चाहिए होती है, जो पहनने में और कपड़े को पहनने में उतारने में हमें ईजी रहता है। तो हमारा इसको कैलकुलेशन करने के बाद वो आ गए 12 इंचेस। तो इस मेजरमेंट को लेके मीन्स जो हम कागज की नाप लेंगे उसमें लंबाई कितनी होगी हमारी 9 इंचेस, और जो चौड़ाई है वो हमारी 12 इंचेस। अब क्या करेंगे हम इसको बॉडीज को बनाने के लिए, जो हमारी 12 इंचेस है इसको हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 12 इंच हमारी चौड़ाई है उसको 6 बराबर भागों में जब बांटा तो हमारा 2-2 इंच का आ गया, तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, जिसको मैंने करा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे 6 पार्ट्स हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, जो हमारी लंबाई है 9 इंचेस, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट क्या आया ई, तो ई में हमने यहाँ पे मार्क करा और इसको सीधे लाइन एक लाइन खींची जो हमारा क्या है पैरेलल टू सी डी है, और उसको हमने नॉमिनेट करा एज अ ई ई डैश। फिर हमने क्या करा, ई और ए वाले एरिया को फिर अगेन हमने बराबर भाग में बांटा, जिसको हमने डिमार्केट करा एज अ एफ एफ डैश। उसके बाद फिर अगेन हमने एफ और ए वाला जो एरिया है उसको अगेन उसका हाफ कर दिया, जो हमारा एरिया है उसको हाफ डिवाइड करा, करने के बाद उसको जी और जी डैश करके मार्क करा, फिर जी और ए के बीच के एरिया को है इसको 2 बराबर भागों में बांटा, जिसको हमने एच और एच डैश डिमार्केट करा। जो हम बराबर बोल रहे हैं इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि सी और ए है इसको ये हमारा 9 इंच का 9 इंच का हाफ कर लिया तो हमारा कितना हो गया 4.5, वैसे ही मैंने करा ई और ए के हिस्से को नाप लेंगे उसका हाफ कर देंगे तो हमारा कितना 2.25 इंचेस आया उसका हाफ करने पे। तो वैसे ही इस एरिया को नाप लेंगे, जितने एरिया का हमको डिवाइड करना है उसको नाप के उसका हम हाफ कर लेंगे, तो ये भी हमारा पोर्शन हाफ उसमें डिवाइड हो गया। तो अब हम जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं चोली की, तो पहले हम बैक की करते हैं, ये हमारा ब्लॉक सिस्टम है उसके थ्रू हम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एच को 1 पॉइंट से मिलाया अंदर की साइड कर्व देते हुए, तो ये हमारा क्या है बैक चोली का क्या है नेक लाइन है, तो इसको हमने इससे मिला लिया। फिर हमने क्या करा, 1 पॉइंट को आई पॉइंट से मिलाया, जो हमारा एच और एच डैश वाली लाइन है उसमें जो हमारी 2 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने आई से डिमार्केट करा और उसको हमने 1 पॉइंट से सीधी रेखा से मिला दिया। इसको फिर हमने क्या करा, जहां आई पॉइंट पे मिला उसको हमने 1 इंच नीचे की ओर सीधी रेखा से नीचे की ओर खींचा और उसको जे पॉइंट से मिला लिया। वैसे क्या करा, जो दूसरी वाली लाइन है जो हमारी 2 पॉइंट वाली लाइन है और वो जो हमारी एफ और एफ डैश में जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने के से मार्क करा और के से हमने सीधे हाथ की ओर 0.75 इंच एक पॉइंट मार्क करा जिसको हमने एल्स लिखा है। फिर इसको हमने क्या करा, तीसरी जो हमारी लाइन है जिसको हमने 3 से डिमार्केट करा है वो लाइन ई और ई डैश में जहां पे डिमार्केट यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने वहां पे एम पॉइंट से डिमार्केट करा है। उसके बाद हमने क्या करा, उस एम पॉइंट से 1/2 इंच नीचे की ओर एंड पॉइंट को
मार्क करा, ये सारे जो पॉइंट मार्क कर लिए, तो हमने क्या करा, फिर इस जे पॉइंट को एल पॉइंट से मिलाया स्ट्रेट लाइन से, फिर यहां से हमने स्लाइड कर्व देते हुए इसको हमने एंड पॉइंट से मिलाया, ये हमारा क्या हो गया, बैक बॉडीज का आर्म होल है बाजू के लिए, ठीक है। तो और ये जो वन और जे पॉइंट है ये हमारा शोल्डर लाइन है, तो ये हमारी पीछे की चोली का ड्राफ्टिंग बन गई है ब्लॉक उससे। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट की ड्राफ्टिंग के लिए हमने क्या करा, जो हमें नेक लाइन बनानी है, जो फ्रंट की नेक लाइन है उसके लिए हमें एफ डैश को फाइव जो लाइन है, जो फाइव वाली लाइन है उससे हमने स्लाइड इनसाइड कर देते हुए उसको मिलाया है, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट बॉडीज की नेक लाइन है। वैसे ही हमने क्या करा, एफ वाले पॉइंट को हमने फोर लाइन में, जहां पे जो एच और एच डैश लाइन है, जो फोर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट में, उसको ओ से डिमार्केट करा, उसमें हमने क्या करा, वन इंच नीचे की ओर को पॉइंट को लिया जिसको हमने पी से डिमार्केट करा है, और इस पी को फाइव पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है, जो हमारी फ्रंट की शोल्डर लाइन है। फिर अगेन हमने क्या करा, एफ और एफ डैश पॉइंट जो वाली लाइन है उसमें जो फोर लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है एफ और एफ डैश लाइन में, उसको क्यू से डिमार्केट करा, उसमें हमने बाएं साइड की ओर वन सेंटीमीटर एक पॉइंट मार्क करा जिसको हमने आर से डिमार्केट करा है, और उसके बाद हमने क्या करा, जो पी पॉइंट है उसको स्लाइड कर्व देते हुए एंड पॉइंट से मिलाया, तो ये हमारा क्या बना, फ्रंट बॉडीज का आर्म होल है, इसको हमने, इसको जैसे हमने बैक साइड में कर देते हुए मिलाया था वैसे इसमें मिला लिया है, और जो हमारा ये नीचे इसकी सीधी लाइन है ये हमारी साइड सीम है दोनों की, तो ये हमारा ब्लॉक मेथड से फ्रंट और बैक बॉडीज का ड्राफ्टिंग हो गई है। जो मैंने यहाँ पे क्रॉस करा हुआ है ये हमारी कटिंग लाइन है, हम यहां से इनको कट करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, फ्रंट बॉडीज। जब हम बैक साइड में यहां से कट करेंगे, इस पॉइंट में कट करेंगे, यहां से नेक लाइन को कट करेंगे, यहां शोल्डर लाइन को, ये आर्म होल को, और ये साइड सीम का है, तो ये हमारा बन जाएगा बैक बॉडीज। तो ये जो हमारा था स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग हमने ड्राफ्टिंग करी है, कि दो साल की बच्ची की जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो 36 इंचेस है, और जो उसमें चेस्ट का साइज है वो 22 इंचेस है, उसके बेसिस पे हमने कागज के नाप को कैलकुलेट करा और हमने फ्रंट और बैक बॉडीज की ड्राफ्टिंग करी। अब इसके आगे हम करेंगे कि स्लीव की कैसे करेंगे स्टैंडर्ड साइज के साथ, जब हमारी ये बॉडीज है इस बॉडीज के स्टैंडर्ड साइज के साथ अब हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी हमने बॉडीज की ड्राफ्टिंग करी थी बच्चे के, दो साल के बच्चे की बॉडीज की, अब उसी में हम आस्तीन की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम आस्तीन की लंबाई लेंगे 5 इंच, और आस्तीन की जो चौड़ाई होगी वो हमारी जो छाती का है, छाती का आधा, और उसमें से हम उसमें 2 इंच को माइनस करेंगे तो हमारी 9 इंच हो गई है। तो कागज की हमारी माप क्या होगी, 5 इंच, और चौड़ाई जो होगी वो 9 इंच हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमने क्या करा कि जो कागज की लंबाई ली है वो हमने 5 इंच ली, और जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच लिया, और फिर हम इसको फोल्ड कर दिया। यहाँ पे इससे मैंने ऑन फोल्ड लिखा है, जब हमारी ड्राफ्टिंग ऐसे बन के आएगी कपड़े को भी हम इसको फोल्डिंग में रखेंगे। यहाँ पे इसको फोल्ड करा, उसके बाद हमने ए बी सी डी करके इसको डिमार्केट करा चारों कॉर्नर्स को, उससे बी से हमने ई, बी से ई दूरी नापी, जो हमारा क्या है बॉडीज की जो लेंथ है, मतलब चोली की जो लंबाई है उसका 1/4, जो हमारे कैलकुलेशन के बाद कितना आया 2.25 इंचेस। उसके बाद हमने क्या करा कि ए और ई को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, और इसको हमने फिर 4 भागों में डिवाइड करा बराबर भागों में, जिसको हमने 1, 2, 3 करके लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इससे हमको आर्म होल बनाना है, जो हमारा आगे का और पीछे का बनेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आगे की जो हमारा आर्म होल होता है वो गहरा होता है एज कंपेयर टू द बैक। तो अब हम क्या करेंगे, वन जो पॉइंट हमने मार्क करा है ए ई लाइन में, उससे 0.25 इंचेस ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको हमने जी लिखा है, और वैसे ही हम क्या करेंगे 3 पॉइंट से नीचे की ओर 0.25 इंचेस में एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको एच लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको कर्व देते हुए ए पॉइंट को जी पॉइंट से मिलाएंगे,
फिर 2 पॉइंट पे लेके आएंगे, फिर यहां से नीचे की ओर कर देते हुए एच पॉइंट से मिला के इसको हम ई पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमारा आर्म होल का फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट है ये। फिर वैसे ही बैक के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 पॉइंट है इससे 1/2 इंचेस ऊपर की ओर एक एफ पॉइंट को मार्क करेंगे, और फिर ए पॉइंट से एफ पॉइंट को ऊपर की ओर कर देते हुए इस कर्व को स्मूथली नीचे लाते हुए ई पॉइंट से मिलाएंगे, जो हमारा क्या होगा पीछे का आर्म होल है, और इसकी डेप्थ जो है फ्रंट से कम होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी पॉइंट से अंदर की ओर मीन्स बाई ओर हमने एक आई पॉइंट मार्क करा जो कि हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड है, और फिर उसके बाद क्या करा आई पॉइंट को ई पॉइंट से हमने मिला लिया, और आई पॉइंट से 0.25 इंचेस ऊपर की ओर कोई पॉइंट मार्क करा जिसको हमने जे लिखा है, और इसको हमने स्लाइड यहाँ पे कर देते हुए जो सी डी लाइन है उससे कर देते हुए हमने इस पॉइंट को मिला लिया है। ये हमारा आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो गई, स्लीव ड्राफ्टिंग है। अब इसकी कटिंग लाइन कौन सी होगी, ये तो हमारा ऑन फोल्ड है, यहां से हम इसको कट करेंगे, ये हमारी कटिंग लाइन है। आप यहां से इसमें कटिंग जो हमारी लाइन है वो हमारी आई ई वाली लाइन है, और जो फ्रंट का आर्म होल होगा उसमें हम इसकी कटिंग करेंगे ए पॉइंट से जो हमने मिलाया था ए, और 1 पॉइंट को जी पॉइंट को मिलाते हुए हम इस पॉइंट को मिलाते हुए करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, और जो हमारा बैक आर्म होल है वो ई एफ ए वाला पॉइंट है, इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कागज है ये फोल्डिंग उस पर रखा गया है, तो ये हमारा जो है ए टू एच ई वाला ये हमारा फ्रंट आर्म होल आएगा। हम सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, जैसे खोलेंगे तो पहले इसकी कटिंग करेंगे, और जो दूसरी वाली साइड जो फोल्डिंग ओपन हुई है उससे हम ये बैक वाली की कटिंग करेंगे। और जब हम क्या करते हैं कि इस वाले में हम ट्रेसिंग पेपर को रख लेते हैं, जिससे कि जो हमारा बैक साइड वाला है इसकी ट्रेसिंग जो दूसरी साइड वाला फोल्डिंग पोर्शन है उसमें आ जाएगा, जिससे हमें कटिंग करने में सुविधा रहेगी, तो इससे हमारा फ्रंट और बैक बन के आ जाएगा। तो आज हमने यह सीखा कि बच्चे की जो 2 साल का बच्चा है उसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ बॉडीज की और स्लीव की ड्राफ्टिंग करें कैसे करेंगे, और जो ये मैंने मेथड बताया है ये ब्लॉक मेथड है, जिसमें कि हमने ब्लॉक बना के बॉडीज की ड्राफ्टिंग करी है और उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ हमने आस्तीन की ड्राफ्टिंग करी है। धन्यवाद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।